लीला को समझ ना सका, मैं आपसे विरोध कर बैठा। दक्ष भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे थे, तो भोलेनाथ को दक्ष के हाथों से यज्ञ की पुण्याहुति कराई और भोलेनाथ को आकर के अहम् ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगा विशेषणः। जब भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के हाथों से यज्ञ को पूर्ण करवाया तो वहीं पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि राजा दक्ष, जो मुझ में और शंकर में ब्रह्मा में जो जरा सा भी अंतर समझता है वो महापापी है, वो भक्त कहलाने लायक नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोए सपने नहीं पावा। जो शिव का द्रोही है और मेरा भगत होना चाहता हो वो सपने में भी ऐसा नहीं सोचे। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मत थोरी। यदि शंकर की भक्ति से विमुख होकर के नारायण को पाना चाहे तो कभी भी संभव नहीं है। पहले आपको शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसके बाद में नारायण की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण ने आकर के बड़े बड़े दिव्य उपदेश दिए और भोलेनाथ को वरदान दे दिया कि भोलेनाथ आज भी यज्ञ में जो कुछ भी बचेगा वो सब का सब भाग तुम्हारा होगा। जो आम हवन करते हैं वो जितना भी सामग्री नीचे रह जाती है वो सभी भाग भोलेनाथ का होता है। समय व्यतीतता गया। सती मरत जब शिव सन, बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जब सती माता ने जब देह त्याग किया तो शिव जी से एक ही वरदान मांगा कि प्रभु जब भी मिले तो आप मुझे बस पति रूप में मिले। जब कोने में कहा है, है? बड़वाई आवाज आ रही है कोने से। पता नहीं है कौन सी सब्जी मंडी लगी है जाटों ने। बोली शंकर भगवान ने की है। माता सती ने जब वरदान मांगा कि जब भी मेरा जन्म हो तो हर जन्म में मेरा पति कौन मिले, शंकर मिले, तो माता सती अब की बार कहां पहुंची, ते कारण हमें गिर ग्रह जाई जननी पार्वती तन पाई। वही माता सती हिमालय के जहां माता, मैना के जहां पर पार्वती के रूप में प्रकट हुई। माता पार्वती जब वहां प्रकट हुई तो नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज पहुंचे तो नारद जी महाराज को देख करके माता मैना ने कहा कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, जरा हमारी बेटी का भाग्य तो देखो कैसा होगा, इसको पति कैसा मिलेगा, इसको घरवार कैसा मिलेगा। तो नारद जी महाराज ने जब माता पार्वती को अस्तरेखा देखी तो नारद जी महाराज ने पति के बारे में बता दिया कि माता मैना इनका पति होगा कैसा, अमंगल वेशधारी, न इसके माता पिता का पता रहेगा और ना वो कपड़े धारण करेगा, एकदम शमशान में वास करने वाला। अब ऐसा पति किसी को मिले तो क्या उसकी माता उस बेटी का विवाह उस पति के साथ में करवाएगी क्या।
तो माता मैना ने पूछा कि नारद जी आप सब जानते हो, मुझे कोई उपाय तो बताइए।